बुराड़ी में खुदकुशी करने वाले परिवार का गुजरात के सूरत में हुआ पुनर्जन्म। जयपुर इसी वर्ष 30 जून को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मौत के कारणों की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, लेकिन इसी बीच खबरें आ रही हैं कि इस भाटिया परिवार के सभी लोगों का पुनर्जन्म हो गया है। गुजरात के सूरत में एक महिला ने 11 बच्चों को जन्म दिया है, जिसे लेकर लोगों का दावा है कि यह सभी लोग बुराड़ी के ही है और इनका पुनर्जन्म हुआ है। बता दें कि अब तक पुलिस की जांच के अनुसार सामने आया है कि इस परिवार ने पूरे प्लान के साथ खुदकुशी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर किसी ने पोस्ट कर दी कि बुराड़ी परिवार के लोगों का पुनर्जन्म हो गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 21वीं सदी के दौर में भी पुनर्जन्म जैसी बातें विश्वास करने लायक है। इसी का सच जानने के लिए जब मीडिया टीम वीडियो में दिखाई दे रहे हॉस्पिटल के पते पर पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल वायरल हो रही इस तस्वीर में एक साथ 11 बच्चों को दिखाया गया है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि यह बुराड़ी परिवार के लोग है और इनको एक पारसी महिला ने जन्म दिया है। लेकिन जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो नाटकर्णी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की निदेशक डॉ पूर्णिमा नाटकर्णी ने बताया कि वह एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी चलाती है। उन्होंने 11 नवंबर 2011 को टेस्ट ट्यूब तकनीक से 11 बच्चों की डिलीवरी करवाई थी, जिसके लिए 9 महिलाओं ने इच्छा जताई थी। इनमें से 7 महिलाओं ने एक ऋण एक बच्चे को जन्म दिया था, जबकि 2 महिलाओं के 2-2 बच्चे हुए थे।